वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में लोग बीसीए रिवाइज टर्मेंट एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 बीसीए 055 बिजनेस कम्युनिकेशन के क्वेश्चन नंबर 3B को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपसे क्या कह रहा है, रीराइट द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में बनाना है इन सेंटेंसेस को, राइट। और ये आपका 5 मार्क्स का है और आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, समबडी क्लीन द ऑफिस एवरी डे, राइट। यानी कि आपको सबसे पहले पहचानना होता है कि सेंटेंस किस टेंस का है, राइट। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा ये सेंटेंस प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का है, राइट। कोई चीज रेगुलरली की जाती है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में आती है, राइट। तो देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपका द ऑफिस आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, द ऑफिस, देखिए प्रेजेंट इनडेफिनेट को अगर आपको पैसिव वॉइस में बनाना होता है तब आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर आप जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं इज एम आर, उसका यूज करते हैं। तो द ऑफिस, ऑफिस एक है तो यहाँ पर आप यूज करेंगे इज, राइट। द ऑफिस इज, और हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पास्ट पार्टिसिपल इज, क्या किया जाता है, क्लीन्ड एवरी डे, राइट। यहां पर आपको सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, राइट, बाय समबडी या जो भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। यही आपका कंप्लीट हो रहा है क्योंकि किसी के द्वारा तो किया ही जाता होगा, राइट। तो ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। फिर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, दे कैंसिल्ड ऑल फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ द फॉग, यानी कि उन्होंने सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी किसके कारण, बिकॉज ऑफ द फॉग, राइट। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ऑल फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ द फॉग। अभी देखिए सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनेट में ना, तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे, वर कैंसिल्ड, राइट। तो आपका सेंटेंस बन गया, ऑल फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ द फॉग वर कैंसिल्ड, राइट। बाय देम लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है आपका, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, राइट। यानी कि पीपल, लोग जो हैं वो लैंग्वेजेस कैसे लर्न करते हैं। तो देखिए आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, राइट। तो यहां पर इज एम आर का यूज किया जाएगा, राइट। तो यहां पर आप करेंगे हाउ को हाउ से ही लिखेंगे, हाउ, देखिए पीपल जो होता है वो आपका प्लूरल होता है, राइट। तो आप क्या यूज करेंगे, इज या आर, आर यूज करेंगे, हाउ आर क्या चीज, लैंग्वेजेस, हाउ आर लैंग्वेजेस, क्या की जाती है, लर्न की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, लर्न, राइट। तो ये आपका पैसिव वॉइस में बन गया, राइट। आपको कुछ नहीं करना था, हाउ की जगह हाउ ही लिखना था, डू की जगह केवल आपको आर कर देना था, और जो ऑब्जेक्ट था उसको आपको यहां पर ले आना था, लैंग्वेजेस, और क्या किया जाता है, वर्ब क्या है इसमें, लर्न, उसकी थर्ड फॉर्म लिख दी आपने पास्ट पार्टिसिपल में, राइट। अच्छा देखिए ये भी सेंटेंस आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर डू नॉट का यूज किया गया है, तो ये भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है, राइट। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दिस रोड, राइट। दिस रोड, अब डोंट की जगह क्या कर देंगे, इजंट यूज, यानी कि दिस रोड इजंट, फिर थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, यूज्ड वेरी ऑफन, राइट। ये आपका पैसिव वॉइस में बन गया, यहां पर आपको बाय द पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, अंडरस्टूड है। फिर आपका लास्ट सेंटेंस आ रहा है, दे हैव बिल्ट अ न्यू हॉस्पिटल नियर द एयरपोर्ट, राइट। यानी कि यहां पर आपका
ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अ न्यू हॉस्पिटल नियर द एयरपोर्ट, ठीक है। यहां पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको आप हैव बीन से यूज करेंगे, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की वर्ब का यूज करेंगे, राइट। तो यहां पर ये हो जाएगा अ न्यू हॉस्पिटल नियर द एयरपोर्ट हैव बीन बिल्ड, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अ न्यू हॉस्पिटल को लिख लीजिए और हैव बीन बिल्ट कर दीजिए, फिर बाय देम कर सकते हैं, राइट। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अ न्यू हॉस्पिटल हैव बीन बिल्ट बाय देम नियर द एयरपोर्ट, राइट। तो ये आपके पैसिव वॉइस में बन गए। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।